ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की संदिग्ध मौत के चार दिन बाद भी सोनाली फोगाट की मौत का रहस्य बरकरार है। मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। देर से जागी गोवा पुलिस इस मामले में छोटे मोटे खुलासे कर जांच आगे तो बढ़ा रही है, लेकिन सोनाली फोगाट के हत्यारों तक अभी नहीं पहुंच पाई है। गोवा पुलिस ने कहा कि सोनाली फोगाट की मौत मामूली नहीं थी, उन्हें साजिश के तहत मौत के घाट मारा गया। यह काम उनके मैनेजर सुधीर सांगवान के कहने पर किया गया। पुलिस अब इस मामले में सभी कड़ियों को एक एक कर जोड़ने में जुटी है। गोवा पुलिस के मुताबिक सुधीर सांगवान की सोनाली की करोड़ों की संपत्ति पर नजर थी। उसका प्लान था कि सोनाली का एक फार्म हाउस 20 साल के लिए लीज पर ले ले। इसके लिए उसने सोनाली फोगाट को हर साल 60,000 रुपए किराया चुकाने का ऑफर भी दिया था, जिस पर सोनाली राजी नहीं थी। बताया जाता है कि सोनाली का ये फार्म हाउस करीब 6.5 एकड़ में फैला हुआ है। इस फार्म हाउस की बाजार की कीमत करीब 6 से 7 करोड़ रुपए है। गोवा पुलिस को घटना से पहले का एक वीडियो भी हाथ लगा है, जिसमें सोनाली फोगाट की हालत काफी खराब दिखाई दे रही है। उनके मैनेजर सुधीर सांगवान और पीए सुखविंदर उन्हें कहीं ले जाते दिख रहे हैं। पुलिस की जांच में सुधीर ने इस बात को स्वीकार किया है कि सोनाली को पार्टी में ड्रग्स दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने ड्रग्स देने वाले डीलर रामा को भी अरेस्ट किया है। पुलिस को आशंका है कि सोची समझी योजना के तहत सोनाली फोगाट को ड्रग्स देकर मौत के घाट उतार दिया गया। अब वह इस मामले की एक एक कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। इसके लिए गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा भी पहुंची है। वहीं सोनाली के परिवार ने इस मामले में सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। परिवार ने अंदेशा जताया है कि इस मौत के पीछे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, लिहाजा इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। हरियाणा सरकार ने सीबीआई जांच की मांग से जुड़ा अनुरोध पत्र गोवा सरकार को भेज दिया है। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।